हाय बिजबारी, हाय हाय हाय, गुड इवनिंग। कैसी है बच्चा बारी? क्लास 10। दिस इज योर टीचर शुभम पाठक एंड वेलकम टू द चैनल जहाँ पे हम क्लास 9th और 10th की बायोलॉजी और एसएसटी पढ़ते हैं, यानी कि साइंस और एसएसटी पढ़ते हैं, और साथ में स्टडी टिप्स, सीबीएसई अपडेट्स एंड ऑल ऑफ दैट आल्सो हैपेंस ऑन द चैनल। सो आज का लेक्चर है नेशनलिज्म इन इंडिया का पार्ट 3। हमने पुराने दो लेक्चर्स में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कवर किया है। आज के लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं आपका सॉल्ट मार्च के बाद वाली चीजें, यानी कि सिविल डिसोबीडियंस में किसने पार्ट लिया और किसने पार्ट नहीं लिया, और नहीं लिया तो क्यों नहीं लिया। एंड एट द सेम टाइम वी विल लर्न कि कैसे हमने देश को एकजुट किया देशभक्ति की भावना के साथ, जस्ट लाइक वी हैड डन दैट इन यूरोप्स केस, कि यूरोप में कलेक्टिव बिलोंगिंग कैसे हुई, वैसे ही हम इंडिया के केस में भी पढ़ेंगे। डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल इफ यू वांट नोट्स एंड अपडेट्स ऑन द चैनल ऑफ द चैनल। तो आपको ये टेलीग्राम पे मिलता रहेगा। यहाँ पे कोई भी बदमाशी नहीं होती है, आपकी पढ़ाई में कोई कमी नहीं आएगी। एक ही जना बदमाशी करता है इस चैनल पे, वो हूँ मैं। जब मुझे कभी आपसे क्विज लेनी होती है या कोई क्वेश्चन पूछना होता है, सो आई कनेक्ट विद यू, सो यू कैन ज्वाइन इट एसैप। लिंक है डिस्क्रिप्शन में। चलो स्टार्ट करते हैं। हाउ पार्टिसिपेंट सॉ द मूवमेंट। बच्चा पार्टी, दिख रही हूँ, सुनाई दे रही हूँ कि नहीं दे रही? है, इतनी नींद आ रही है, नींद आ रही है, पता नहीं क्यों नींद आ रही है। ऐसा होता है क्या कभी कभी? कुछ गर्मियों के कुछ दिनों में ऐसे बस नींद आती रहती है, आती रहती है, आती रहती है, और उसका कोई रीजन नहीं होता है। आप 10 घंटे सो लियो, 12 घंटे सो लियो, लेकिन नींद आई जा रही है। सो टुडे इज वन ऑफ दोज डेज। हु कैन रिलेट? ऑल द स्लीपी फेलाज, टेल मी, कैन यू रिलेट? हाय 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 हाय, जस्ट बिकॉज ऑफ यू आई गॉट दीज मेनी परसेंटेज, जस्ट बिकॉज ऑफ यू आई गॉट दीज मेनी मार्क्स। नो, यू हैव गॉटन मार्क्स बिकॉज ऑफ योर सेल्फ। या टीचर्स टीच, पढ़ना तो आपका काम है ना, है ना? चलिए शुरू करते हैं। हम डिस्कस करने वाले हैं कि देखो देश में क्या चल रहा था। मूवमेंट्स चल रही थी, गांधी जी बार बार मूवमेंट्स निकाल रहे थे। ऐसी मूवमेंट का हम वेट कर रहे थे जिससे इंडिया को आजादी मिल जाए, या इंडिया की आजादी की लड़ाई में मोमेंटम मिल जाए हमें, ना हमें थोड़ा सा एज मिल जाए एक। सो सिविल डिसोबिडियंस मूवमेंट यही सोच के निकाला गया था कि इसमें नॉन कॉपरेशन के आइडियल्स भी फॉलो हो रहे हैं, यानी कि हमें ब्रिटिशर्स के लिए काम भी नहीं करना है, साथ में हमें सिविल डिसोबिडियंस करना है, यानी कि हमें ब्रिटिशर्स के बनाए हुए लॉज भी तोड़ने हैं। अब कुछ लोगों ने नॉन कॉपरेशन में पार्टिसिपेट करके मुंह की खाई थी, कुछ लोगों ने नॉन कॉपरेशन में पार्टिसिपेट करके खूब मजे उड़ाए थे। तो जिन लोगों को नॉन कॉपरेशन का जिनका जो नजरिया है और जिनका जो रिजल्ट है वो अच्छा लगा था, उन लोगों ने सिविल डिसोबिडियंस मूवमेंट में भी पार्टिसिपेट किया, और जिन लोगों को नॉन कोऑपरेशन में थोड़ा सा रिस्पॉन्स खट्टा लगा था, तो उन लोगों ने सिविल डिसोबिडियंस में पार्टिसिपेट नहीं किया। तो बेसिकली टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द लेक्चर विद अंडरस्टैंडिंग कि किन किन कम्युनिटीज ने सिविल डिसोबिडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया और किन्होंने नहीं किया, और किया तो क्यों किया और नहीं किया तो क्यों नहीं किया। सबसे पहली कैटेगरी है हमारी फार्मर्स। बच्चा कौन सी कैटेगरी है? पेजेंट्स। पेजेंट्स का मतलब फार्मर्स। अब फार्मर्स को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, रिच फार्मर्स एंड पुअर फार्मर्स। वाई आर वी डिवाइडिंग? बिकॉज जो रिच फार्मर्स होते हैं उनकी जो इच्छाएं होती हैं और उनकी जो जरूरतें होती हैं वो पुअर फार्मर से बहुत अलग होती हैं। भाई आप रिच फार्मर हो तो आपके पास ऑलरेडी पैसे हैं, आप जमींदार घराने से बिलोंग करते हो, तालुकदार घराने से बिलोंग करते हो, बहुत सारी जमीन है आपके पास, आपके लिए दूसरे फार्मर्स आपकी जमीन पे काम करते हैं, लैंडलेस फार्मर्स, तो आपके पास खूब पैसा है। तो जब पैसा है तो आप क्या चाहोगे? आप चाहोगे कि और आपके पास पैसा हो। पुअर फार्मर्स ऑन दी अदर हैंड वर डीलिंग विद अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम दैट रिच फार्मर्स वर क्रिएटिंग फॉर देम। यू हैव टू अंडरस्टैंड, जो हमारे यहाँ के गरीब फार्मर्स थे उस जमाने में, उनकी जो प्रॉब्लम्स है मोस्टली वो ब्रिटिशर्स से ज्यादा नहीं होती थी, उनकी प्रॉब्लम रिच फार्मर्स से ज्यादा होती थी। तो फार्मर्स वाली कैटेगरी में हम ये दो तरीके के लोग पढ़ेंगे। इंडस्ट्रियलिस्ट का मतलब हो गया बिजनेस मैन, उस वक्त जो भी बिजनेस वुमेन या बिजनेस मैन हुआ करते थे उनके बारे में पढ़ेंगे, मोस्टली बिजनेस मैन। वर्कर्स की कैटेगरी में, वर्कर्स बहुत तरीके के थे, रेलवे वर्कर्स थे, डॉक वर्कर्स थे यानी कि जो शिप पे काम करते थे वो वर्कर्स थे, मेटल वर्कर्स थे, कॉटन वर्कर्स थे, तो वर्कर एक अम्ब्रेला टर्म हो गया, इसके अंदर कई सारे वर्कर्स थे, सो यू हैव टू कीप दैट इन माइंड। विमेन एज अ होल सेक्शन वी आर रीडिंग,
चाहे वो रिच घरों की हो, चाहे वो पुअर घरों की हो, चाहे वो अपर कास्ट घरों की हो, चाहे वो लोअर कास्ट घरों की हो, बट वुमेन एज अ कलेक्टिव हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो ये चार सेक्शंस हैं। पहले हम लोग फार्मर से स्टार्ट करते हैं। जो रिच फार्मर्स थे, जैसे कि पट्टीदार कम्युनिटी हो गई गुजरात की, या उत्तर प्रदेश की जो जाट कम्युनिटी है फार्मिंग की, दे आर वेरी वेरी रिच। ट्रेडिशनली दे आर वेरी रिच क्योंकि उनके पास बहुत लैंड है और उपजाऊ लैंड है। फार्मर कैसे रिच होंगे जब उनके पास लैंड होगा और फर्टाइल लैंड होगा, है ना। और ये लोग अपने बड़े बड़े लैंड पे क्या इस्तेमाल करते हैं, कमर्शियल क्रॉप्स उगाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। कमर्शियल क्रॉप्स मतलब जब आप क्रॉप्स अपने घर के लिए नहीं उगाते हो बल्कि मार्केट के लिए उगाते हो, और इतने बड़े स्केल पे उगाते हो कि आपका जो क्रॉप्स हैं वो किसी ना किसी फैक्ट्री में रॉ मटेरियल का काम करती हैं, तो उसे कमर्शियल क्रॉप्स बोला जाता है। ठीक है, व्हेन यू प्रोड्यूस फॉर द इंडस्ट्रीज एज रॉ मटेरियल, योर क्रॉप्स आर नोन एज कमर्शियल क्रॉप्स, बड़े स्केल पे उगती हैं। तो ये बड़े वाले फार्मर्स, रिच फार्मर्स, कमर्शियल क्रॉप्स उगाया करते थे। और जब ट्रेड में डिप्रेशन आया, यानी कि ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन आया, जो हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया, कुछ 1928 के आसपास आया था ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन, और सिविल डिसोबिडियंस मूवमेंट 1930 में था। तो 2 साल की तो बात हो गई, 2 साल पहले आया था तो उसका असर तो 1930 तक भी दिख रहा था। तो ट्रेड के डिप्रेशन से ये रिच फार्मर्स को बड़ा धक्का लगा था, क्योंकि इन्होंने जितनी सारी फसल उगाई हुई थी अपने बड़े बड़े फार्म्स पे, उनके प्राइसेस जो है घटने लगे थे, और उनकी जो कैश इनकम है, जिस इनकम पे ये जमींदारी पटीदारी किया करते थे, रिच फार्मर कहलाया करते थे, वो इनकम धीरे धीरे हो रही थी डिसअपियर। क्या हो रही थी? डिसअपियर हो रही थी या कम हो रही थी। गवर्नमेंट ने रेवेन्यू की डिमांड अपनी कम की नहीं थी। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट हिस्सा लेती थी फार्मर्स के खेती में से या पैसे में से, वो डिमांड तो कम हुई ली थी, लेकिन फार्मर्स की कमाई कम हो गई थी। तो आप देख रहे हो, आपको जो किसी और को देना है पैसा वो तो कम हो नहीं रहा है, लेकिन आपको जो मार्केट से मिलना है पैसा वो कम हो जा रहा है, क्योंकि आपको आपकी फसल के अच्छे दाम नहीं मिल रहे ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन में। एंड द रिफ्यूजल ऑफ द गवर्नमेंट टू रिड्यूस द रेवेन्यू डिमांड लेड टू अ वाइड स्प्रेड रिजेंटमेंट। इसीलिए जो बड़े फार्मर्स हैं, जो पहले ये ब्रिटिश गवर्नमेंट को फिर भी ठीक ठाक पसंद किया करते थे, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट ज्यादा तंग उन्हें नहीं करती थी, अब वो भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ खड़े हो गए थे, क्योंकि उन्हें दिख रहा था कि हमारा बड़ा नुकसान है, ये ब्रिटिशर्स तो हमारी बात नहीं सुन रहे हैं। तो रिजेंटमेंट का मतलब एक तरीके का आहत पहुंची थी बड़े फार्मर्स को, और वो लोग नफरत, रिजेंटमेंट का मतलब होता है नफरत फैलने लग गई थी बड़े फार्मर्स के बीच में कॉलोनियल गवर्नमेंट के लिए। These rich peasants became enthusiastic supporters of the civil disobedience movement. तो ये सोच के कि भाई हमारी जो problems हैं उनसे हमें उनका solution मिलेगा civil disobedience में part लेके, ये सोच के बड़े farmers ने civil disobedience में part लिया, और उन्होंने बल्कि उन फार्मर्स को भी समझाया जो रिलेक्टेंट थे। अगर किसी कोई रिच फार्मर ऑलरेडी पार्टिसिपेटेड था सिविल डिसोबिडियंस मूवमेंट में, तो अपनी कम्युनिटी में कोई रिलेक्टेंट फार्मर हुआ करता था जिसे नहीं था मन सिविल डिसोबिडियंस में पार्टिसिपेट करने का, तो ये उसे भी फोर्स किया करते थे, या फिर ये उसे भी मनाया करते थे कि भाई तू भी कर ले, तेरी भी अच्छाई है भलाई छुपी है सीडीएम में, यानी कि सिविल डिसोबिडियंस में। साथ में बॉयकॉट, पिकेटिंग, जो भी प्रोग्राम सीडीएम में चलते थे ये लोग किया करते थे। इनके लिए स्वराज का मतलब था कि जब देश आजाद हो जाएगा तो हमें जो ज्यादा ज्यादा रेवेन्यू देना पड़ता है, हिस्सा देना पड़ता है जो ब्रिटिश गवर्नमेंट को, वो नहीं देना पड़ेगा। तो अपने फायदे के लिए ही सही, लेकिन रिच फार्मर्स ने सीडीएम में पार्टिसिपेट किया। डिसअपॉइंट हुए थे जब पहला सीडीएम फेल हो गया था, पहली बार जब सिविल डिसोबिडियंस मूवमेंट हुआ था और गांधी जी ने गांधी इरविन पैक्ट करके लंदन चले गए थे ना राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड करने, तो वो वाला मूवमेंट तो फेल हो गया था। तो डेफिनेटली डिसअपॉइंटमेंट था बड़े फार्मर्स के बीच में, लेकिन फिर भी वो जब दोबारा स्टार्ट हुआ तो कुछ फार्मर्स ने फिर भी सपोर्ट किया। अगेन वी आर टॉकिंग अबाउट द रिच फार्मर्स, राइट। सो मेनी रिफ्यूज्ड। दूसरी बार सीडीएम 2.0 में बहुत सारे रिच फार्मर्स ने बोल दिया कि हाँ हम नहीं करेंगे, हम पहला वाला मूवमेंट फेल हो गया था, लेकिन फिर भी कुछ फार्मर्स ने किया। ऑन दी अदर हैंड जो पुअर फार्मर्स थे हमारे देश के, वो अपनी डिमांड्स पूरी करवाना चाहते थे। सब लोग भाई मूवमेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हो तो आप चाहोगे कि आपका भी कुछ भला हो, लेकिन उनकी लड़ाई तो बड़े फार्मर्स से चल रही थी। उन्हें जो रेवेन्यू देना पड़ता था वो तो बड़े फार्मर्स को देना पड़ता था, उन्हें तो जो किराया देना पड़ता था, भाई कई सारे गरीब फार्मर्स होते थे जिनके पास खुद के खेत नहीं होते थे, तो वो किराए के खेत पे खेती किया करते थे, बड़े फार्मर्स के किराए के खेत पे खेती किया करते थे। अब उनकी भी खेती के प्राइसेस कम हो रहे थे, पूरे ओवरऑल दुनिया में एग्रीकल्चरल प्राइसेस कम
खत्म हो गए थे ना, लेकिन उनसे जो रेंट वसूला जाता था, बड़े फार्मर्स जो खेती करने का रेंट वसूलते थे, उसमें कोई कमी नहीं आ रही थी। तो उन्हें किससे डायरेक्ट प्रॉब्लम थी? बड़े फार्मर्स से थी। मेनी ऑफ देम वर स्मॉल टेनेंट्स। टेनेंट्स का मतलब कुछ फार्मर्स जो थे गरीब घराने के, वो किराएदार की तरह काम किया करते थे बड़े फार्मर्स के यहाँ। और जब इकोनॉमिक डिप्रेशन आया तो उनकी तो इनकम कम होने लग गई क्योंकि फसल के प्राइसेस कम हो गए, लेकिन उनके रेंट में बड़े फार्मर्स ने कोई कटौती नहीं की। तो इसीलिए उन्होंने अपनी मुहिम जारी की हुई थी, सीडीएम के अलग उन्होंने अपनी मुहिम जारी की हुई थी, नो रेंट कैंपेन। कौन सा कैंपेन बच्चा? नो रेंट कैंपेन। कि अगर दुनिया में चल रहा है ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन, फसल के प्राइसेस कम हुए हुए हैं, तो तुम तो हमारे देश वाले हो, हमसे कम से कम रेंट लेना तो बंद कर दो, तुम तो अमीर फार्मर्स हो। तो इनका नो रेंट कैंपेन चल रहा था, लेकिन कांग्रेस को यहाँ पे चूज करना पड़ा। कांग्रेस अगर छोटे फार्मर्स को सपोर्ट करती तो बड़े फार्मर्स बुरा मान जाते, क्योंकि बड़े फार्मर्स और छोटे फार्मर्स की आपस में नहीं पट रही। और कांग्रेस अगर बड़े फार्मर्स को करती तो छोटे फार्मर्स बुरा मान जाते। लेकिन कांग्रेस ने किसका साथ दिया? बड़े फार्मर्स का दिया, रिच फार्मर्स का साथ दिया, क्योंकि रिच फार्मर्स के पास पैसा था। उस वक्त हम देश की आजादी के लिए हमें पैसा भी चाहिए था, हमें चाहे सत्याग्रह करना हो, प्रोटेस्ट करना हो, सत्याग्रहियों को खाना खिलाना हो, उनके सोने के लिए जगह चाहिए हो, सब चीजों के लिए रिसोर्सेज और पैसे की जरूरत थी देश को। तो बड़े फार्मर्स का साथ दिया कांग्रेस ने, इसीलिए रिच फार्मर्स ने कांग्रेस का साथ दिया, सीडीएम का साथ दिया। छोटे फार्मर्स ने अपने आप को सिविल डिसोबिडियंस मूवमेंट से अलग रखा। तो समझ आया रीजन? समझ आया बड़े फार्मर्स ने क्यों सपोर्ट किया और पुअर फार्मर्स ने क्यों नहीं सपोर्ट किया? नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इंडस्ट्रियलिस्ट। अब इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए आपको समझना पड़ेगा कि जस्ट बिफोर द सिविल डिसोबिडियंस मूवमेंट आपका पहला विश्व युद्ध हुआ था। 1914 से 1918 तक पहला विश्व युद्ध हुआ था, और हम लोग बात कर रहे हैं 1930 की। तो कुछ 12 साल पहले पहला विश्व युद्ध हुआ था, है ना। इंडियन मर्चेंट्स एंड इंडस्ट्रियलिस्ट हैड मेड ह्यूज प्रॉफिट एंड बिकम पावरफुल। उस जमाने में जब ब्रिटेन ना डायरेक्ट पार्टिसिपेंट था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, इंडिया पार्टिसिपेंट नहीं था, इंडिया तो आजादी नहीं था, इंडिया कौन सी लड़ाई लड़ता। तो ब्रिटेन जो है बिल्कुल बिजी हो गया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में लड़ाई लड़ने के लिए। ब्रिटेन की जितनी लेबर फोर्स है वो तो चली गई थी बॉर्डर पे सोल्जर बनके। तो पीछे से हमारे इंडियन एंटरप्रेन्योर्स ने, इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट ने बड़े पैसे कमाए थे क्योंकि ब्रिटेन चला गया था गेम से। लेकिन अब, तब तो उन्होंने बिजनेस एक्सपैंड कर लिया, लेकिन अब जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हो गई थी तो ब्रिटेन ने बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगा दी थी इंडिया की ट्रेड में। तो हमारे मजे आए थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान, तब हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट को खूब प्रॉफिट हुआ, लेकिन वो सारा प्रॉफिट धरा का धरा रह गया क्योंकि राइट आफ्टर द वॉर द कॉलोनियल पॉलिसीज रेस्ट्रिक्टेड बिजनेस एक्टिविटीज। भाई ब्रिटिशर्स चालू थे, उनका वॉर में जो भी लॉस हुआ था वो सोच रहे थे कि वॉर खत्म होगी तो उसके बाद हम अपना बिजनेस एक्सपैंड करेंगे, इंडिया जैसे देशों की मार्केट को कैप्चर करेंगे और हम वहां पे अपना सामान बेच बेच के एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाएंगे। भाई हमारे देश की पॉपुलेशन तो कभी भी कम नहीं थी, है ना, मार्केट तो अपना बड़ा ही था, लेकिन पीछे से तो हमारे इंडियन भाई बहनों ने अपनी मार्केट कैप्चर कर ली थी। लेकिन इसीलिए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जोर जबरदस्ती से हमारी मार्केट पे कब्जा करने के लिए ब्रिटेन हमारे यहां के इंडस्ट्रियलिस्ट को तंग कर रहे थे, उन पे इंपोजिशंस लगा रहे थे, नए-नए रूल्स एंड रेगुलेशंस लगा रहे थे। इंडस्ट्रियलिस्ट हु मेड प्रॉफिट ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वर अपसेट। इसीलिए जिन भी बिजनेसमैन ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान अपना प्रॉफिट बनाया था वो अब नई रेस्ट्रिक्शन पॉलिसीज जो ब्रिटेन की गवर्नमेंट लगा रही थी उससे काफी दुखी थे। वो इस बात से भी दुखी थे कि ब्रिटेन अपना सस्ता सस्ता इंडस्ट्रीज से बना हुआ सामान, क्योंकि ब्रिटेन में तो मशीनें आ गई थी, इंडिया में तब इतनी मशीनें नहीं आई थी, अपना जो सामान है वो हमारे देश में इंपोर्ट करता है, फॉरेन गुड्स को भेजता है, और इससे हमारे यहाँ के कस्टमर फॉरेन का सामान खरीदते हैं और हमारे यहाँ के इंडस्ट्रियलिस्ट को प्रॉफिट कम होता है। तो ये भी काफी दुखद बात थी। साथ में जो रुपीस स्टर्लिंग फॉरेन एक्सचेंज रेशियो, यानी कि जो पैसे की वैल्यू है अगेंस्ट डॉलर, है ना, बोलते हैं ना पैसा घट गया बढ़ गया, कैसे बोलते हैं हम, क्योंकि सारे करेंसीज की हम जो अहमियत है, जो वैल्यू है, वो हम डॉलर से कंपेयर करते हैं। तो वो डॉलर के अगेंस्ट रुपी की वैल्यू भी दिन पर दिन गिरती जा रही थी। तो इन सारी बातों से हमारे यहाँ के बिजनेसमैन काफी दुखी थे। तो उन्होंने सोचा कि अगर सिविल डिसोबिडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट करेंगे या मूवमेंट को फंड कर देंगे, गांधी जी इंडियन नेशनल कांग्रेस को अगर सपोर्ट कर देंगे, तो फिर बदले में जब ये ब्रिटिशर्स हमारे देश से चले जाएंगे तो हमें प्रॉफिट होगा, हमारे इंडस्ट्रीज को प्रॉफिट होगा। इसके लिए उन्होंने सीडीएम को तो सपोर्ट किया ही किया, साथ में अपनी ऑर्गेनाइजेशंस भी खोली, जैसे कि इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्स कांग्रेस जो 1920 में खुली थी। ये कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी बच्चा, ये हमारे देश के बिजनेसमैन ने साथ में आके एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी कि सलाह मशवरा कर सके जब भी कोई ब्रिटेन की गवर्नमेंट कोई भी कोई नया पॉलिसी और लॉ हम पे थोपे,
ठीक है, साथ में बनी थी फेडरेशन ऑफ द इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, ये उस जमाने की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन थी हमारे यहाँ के इंडस्ट्रियल्स की। आज भी ये बहुत रेप्यूटेटेड ऑर्गेनाइजेशन है हमारे देश की, 1927 में बनी थी, प्यार से इसे बोला जाता है FICCI। ये दोनों किस लिए बनाई थी, ताकि सारे के सारे बिजनेसमैन अपने इंटरेस्ट को एक छत के नीचे डिस्कस कर सके। लाइक आई ऑलवेज से, यूनिटी में पावर होती है, एकता में ताकत होती है, इसीलिए सब लोग संगठन बनाते हैं। जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे उस जमाने के, जैसे पुरुषोत्तम दास, ठाकुर दास, जीडी बिरला, जो जीडी बिरला ग्रुप के फाउंडर थे, इन सब ने सीडीएम को सपोर्ट तो किया ही, साथ में सीडीएम को फंड भी किया। तो सीडीएम में आप देख रहे हो कि फाइनेंशियल असिस्टेंस बोलो या ये सपोर्ट बोलो, लेकिन इंडस्ट्रियलिस्ट का सपोर्ट जरूर था। और इंडस्ट्रियलिस्ट का सपोर्ट क्यों था, क्योंकि उनके लिए स्वराज का मतलब था कि देश आजाद हो जाएगा, कॉलोनियल गवर्नमेंट ने जो भी बिजनेस पे रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं वो एग्जिस्ट नहीं करेंगी, हमारे यहाँ की इंडस्ट्रीज फ्लरिश करेंगी, हमारे यहाँ के बिजनेसमैन को फायदा होगा। लेकिन वही फर्स्ट राउंड ऑफ सिविल डिसोबिडियंस मूवमेंट जब फेल हो गया, जब सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी लंदन गए और वहां से हताश होकर लौटे, तो फिर हमारे यहाँ के इंडस्ट्रीज को थोड़ा सा डर लगा था कि सेकेंड टाइम जो सिविल डिसोबिडियंस मूवमेंट, 1932 का सिविल डिसोबिडियंस मूवमेंट जो लॉन्च हो रहा है, उसमें पार्टिसिपेट करें कि नहीं करें। इनफैक्ट उन्हें यह भी डर लग रहा था कि कहीं सिविल डिसोबिडियंस के चक्कर में मिलिटेंसी ना बढ़ जाए, वर्कर्स मिलिटेंट ना बन जाए, वर्कर्स इंडस्ट्रीज के खिलाफ ही ना चले जाएं। उन्हें यह भी लग रहा था कि कहीं सिविल डिसोबिडियंस के चक्कर में उनका जो बिजनेस है वो चौपट ना हो जाए, भाई मार्केट बंद रहेगी, दंगे रहेंगे, तो आप जितने मर्जी बड़े बिजनेसमैन हो, आपका सामान ही कोई नहीं खरीदेगा, तो बिजनेस कैसे चलेगा, है ना। सो उनको बार बार ये डर सता रहा था कि कहीं सोशलिज्म जो रशिया में बड़े अपने पर फैला रहा था, जो क्लास 9th में पढ़ के आए हो, अगर वही सोशलिज्म इंडिया में भी पर फैलाने लग गया, तो सारे के सारे वर्कर्स इंडस्ट्रियलिस्ट का गला पकड़ेंगे, फिर हम ब्रिटिशर्स से कैसे लड़ाई लड़ेंगे। आप हमेशा देखो, अमीरी और गरीबी की लड़ाई हमारे देश में देशवासियों के बीच में ही रही है। जैसे पुअर पेजेंट्स को रिच पेजेंट्स से ज्यादा प्रॉब्लम थी, सिमिलरली वर्कर्स को डायरेक्टली प्रॉब्लम कौन क्रिएट करते थे, वो करते थे इंडस्ट्रियलिस्ट। तो वही हम नेक्स्ट सेक्टर में पढ़ेंगे, इंडस्ट्रियल वर्कर्स। इंडस्ट्रियलिस्ट तो सपोर्ट कर रहे थे, पैसा था उनके पास, मोटिव था, लेकिन इंडस्ट्रियल वर्कर पार्टिसिपेट नहीं कर पाए ज्यादातर सिविल डिसोबिडियंस मूवमेंट में। अगेन क्यों, क्योंकि उनकी मेजर प्रॉब्लम इंडस्ट्रियलिस्ट से थी, और क्योंकि इंडस्ट्रियलिस्ट मूवमेंट में पार्ट ले रहे थे तो फिर वो उस मूवमेंट का हिस्सा बनना नहीं चाहते थे। पर कुछ वर्कर्स कम्युनिटी थी जिन्होंने सीडीएम में खूब पार्टिसिपेट किया, जैसे कि नागपुर एरिया में बहुत सारे वर्कर्स ने पार्टिसिपेट किया, और कांग्रेस वैसे भी वर्कर्स की डिमांड्स को ज्यादा पूरा नहीं कर पा रही थी, क्योंकि कांग्रेस के पास अब वही दो राहे पे खड़ी थी कांग्रेस। अगर वो इंडस्ट्रियलिस्ट की डिमांड्स को पूरा करती तो वर्कर बुरा मान जाते, वर्कर्स की डिमांड को पूरा करती तो इंडस्ट्रियलिस्ट बुरा मान जाते, एक ना एक कम्युनिटी तो बुरा माननी थी। हमारे लिए उस वक्त फंडिंग हमारी इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल की बहुत ज्यादा जरूरी थी, कि मूवमेंट चलता रहे, मूवमेंट बस ठप ना हो, इसीलिए कांग्रेस ने उस जमाने में किसका साथ दिया, इंडस्ट्रियलिस्ट का साथ दिया। कांग्रेस फेल्ट दैट दिस वुड एलियनेट द इंडस्ट्रियलिस्ट एंड डिवाइड द एंटी इंपीरियल फोर्सेस। हाउएवर कुछ वर्कर्स ने जरूर पार्टिसिपेट किया, उन्होंने सिविल डिसोबिडियंस मूवमेंट अपने अपनी फैक्ट्रीज के आगे चलाई, और उन्होंने बोला कि सिविल डिसोबिडियंस तो ठीक है, हमें थोड़ी सी अच्छी तनख्वाह भी चाहिए और थोड़ी सी अच्छी वर्किंग कंडीशन भी चाहिए। जैसे छोटा नागपुर एरिया जो है ना आपका, छोटा नागपुर प्लाटू वाला एरिया, वहां पे जो माइनिंग वर्कर है, स्पेशली टिन की जो माइनिंग होती है, वहां पे वर्कर्स ने गांधी कैप लगा के स्ट्राइक निकाली थी। साथ में रेलवे वर्कर्स थे, उन्होंने भी स्ट्राइक निकाली थी 1930 में सीडीएम के दौरान। डॉक वर्कर्स होती हैं जो किनारे पे, जहां पे शिप खड़ी होती है ना, वहां पे काम करते हैं, उन्होंने भी स्ट्राइक निकाली थी 1932 में, सिविल डिसोबिडियंस मूवमेंट पॉइंट टू में, है ना। एंड 1930 में छोटा नागपुर प्लेटू में, तो मैंने बता दिया, गांधी कैप्स पहन के बहुत सारे लोगों ने बॉयकॉट और प्रोटेस्ट रैलीज निकाली थी। तो वर्कर्स ने पार्टिसिपेट बहुत ही कम हद तक किया। नाउ नेक्स्ट कम्युनिटी इज विमेन। अनदर इंपॉर्टेंट फीचर, दिस अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट फीचर, कि सिविल डिसोबिडियंस मूवमेंट में औरतों ने लार्ज स्केल पार्टिसिपेशन दिखाया। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में औरतों का पार्टिसिपेशन नहीं था, लेकिन सिविल डिसोबिडियंस आते आते औरतों को ये लगने लग गया था कि हमें भी घर से निकलना चाहिए, हमें भी गांधी जी के साथ मार्च पे जाना चाहिए, हमें भी सॉल्ट बनाना चाहिए, हमें भी फॉरेन क्लॉथ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, लिकर शॉप्स को अगर पिकेट करना है तो पिकेट करना चाहिए, और अगर जेल भी जाना पड़े तो हमें भी जाना चाहिए। क्योंकि औरतों को भी समझ आ गया था कि अगर देश में रहना है और देश अपना है तो देश के लिए कुछ करना पड़ेगा। औरतों को समझ आ गया था कि इस भारतवर्ष की महिलाएं होते हुए उनका ये जन्म सिद्ध अधिकार बनता है और उनकी ड्यूटी बनती है। सेक्रेट ड्यूटी का मतलब, उनकी एक सेक्रेट का मतलब होता है एक तरीके से,
विच इज समथिंग वेरी प्रेशियस, बहुत ही बेशकीमती ड्यूटी बनती है कि वो अपने देश के लिए कुछ करे। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये हुई कि औरतें कुछ अमीर घरों की थी, कुछ गरीब घरों की थी, कुछ शहरों की थी, कुछ गाँव की थी। गाँव में तो सिर्फ अमीर घरों की औरतें ही कर पाई सीडीएम में पार्टिसिपेट, क्योंकि गरीब घरों की औरतों को तो खेतों में जाके काम करना पड़ता था, उनके पास टाइम ही नहीं था सिविल डिसोबिडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट करने का। और शहरों में जो हाई कास्ट फैमिलीज की औरतें थी, क्योंकि हाई कास्ट फैमिलीज के पास ही उस जमाने में पैसा हुआ करता था, तो वही जो है सीडीएम में पार्टिसिपेट कर पाई। अगेन शहरों में भी जो लो कास्ट फैमिलीज को बिलोंग करती थी औरतें, ऑब्वियसली उनका मन था सिविल डिसोबिडियंस में पार्टिसिपेट करने का, लेकिन उनको काम पे जाना पड़ता था, उनके पास और भी मेजर अपनी प्रॉब्लम्स बहुत सारी थी। लेकिन औरतों को बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुई। डिसअपॉइंटमेंट इसलिए हुई क्योंकि उन्होंने तो जोर शोर से सीडीएम मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया, लेकिन औरतों की पोजीशन को अच्छे से विजुलाइज नहीं किया। गांधी जी ने और इंडियन नेशनल कांग्रेस ने दोनों ही औरतों के सपोर्ट को नजरअंदाज कर दिया। गांधी जी ने बोला कि औरतों की ये ड्यूटी है कि वो घर पे बैठे और बच्चों को संभालें और अच्छी माएं बने और अच्छी बीवियां बने, राइट। और कांग्रेस ने बोला कि अगर औरतों को ज्वाइन करना है कांग्रेस या मूवमेंट तो कर ले, लेकिन हम उन्हें मूवमेंट में कोई अथॉरिटी वाली, कोई पावर वाली पोजीशन नहीं देंगे कभी, हम उन्हें हमेशा सिंबॉलिक तरीके से रखेंगे ऑर्गेनाइजेशन में। सिंबॉलिक का मतलब आप ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बनने से मना नहीं कर रहे हो औरतों को, लेकिन आप बोल रहे हो कि अगर आप चेयरमैन बनना चाहते हो कांग्रेस की, या फिर कांग्रेस में वाइस प्रेसिडेंट बनना चाहते हो, मतलब पार्टी के अंदर कोई अच्छी पोजीशन लेना चाहते हो, तो वो औरतों को अलाउड नहीं था। तो विमेन सपोर्टेड सीडीएम मूवमेंट, बट कांग्रेस एंड गांधी जी डिसअपॉइंटेड विमेन टू सम एक्सटेंट। ठीक है, ये जमाने की बात है। आया, इतना समझ आया? चमका कि नहीं भाई? चमक गया। चलिए, लिमिटेशंस ऑफ सिविल डिसोबिडियंस मूवमेंट। लिमिटेशन का मतलब, अगर ये मूवमेंट फेल हुई तो हुई क्यों? मूवमेंट फेल हुई बिकॉज दो मेजर कम्युनिटीज जो थी हमारे देश के, अभी तो बाकी हमने कम्युनिटीज पढ़ी, औरतों का पढ़ा, वर्कर्स का पढ़ा, लेकिन और भी दो मेजर कम्युनिटीज थी, एक था दलित सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, एक था मुस्लिम सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, जिन्होंने सीडीएम में पार्टिसिपेट तो किया लेकिन बहुत ही गुनगुना पार्टिसिपेशन किया। लूकवॉर्म का मतलब होता है गुनगुना, जो पानी ना ज्यादा गर्म होता है ना ठंडा होता है उसे आप गुनगुना बोलते हो ना। सिमिलरली जो पार्टिसिपेशन ना बहुत ज्यादा था ना बहुत कम था, बहुत ही हल्का पार्टिसिपेशन था, उसे आप लूकवॉर्म पार्टिसिपेशन बोलते हो। अब देखो, स्वराज का ये जो इशू है, ये सारे सोशल ग्रुप्स को एकजुट नहीं ला पाया था, उसके कुछ प्रॉब्लम है। जैसे दलित सेक्शन ऑफ सोसाइटी की अगर हम बात करें, तो उस वक्त जो मेजॉरिटी मूवमेंट्स निकाली जाती थी, चाहे नॉन कोऑपरेशन है चाहे सिविल डिसोबिडियंस है, वो कौन सी पार्टी निकालती थी? इंडियन नेशनल कांग्रेस निकालती थी। और इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंदर जो मोस्टली मेंबर्स होते थे वो क्या होते थे? हिंदूज होते थे। आईएनसी के अंदर जो मेंबर्स होते थे हिंदूज होते थे, और हिंदूज में भी ज्यादातर कौन से हिंदूज होते थे? हायर कास्ट हिंदूज होते थे, हायर कास्ट कंजर्वेटिव हिंदूज। आप हायर कास्ट को भी बिलोंग करते हो, हिंदू भी हो और कंजर्वेटिव भी हो, कि आप चाहते नहीं हो कि आपके आसपास लोअर कास्ट हिंदू देखे, या आप चाहते नहीं हो कि आपके आसपास मुस्लिम पॉपुलेशन देखे। तो सनातनीज बोला जाता था, कंजर्वेटिव हाई कास्ट मुस्लिम को सनातनीज बोलते हैं। तो दलित सेक्शन ऑफ द सोसाइटी इस बात से बहुत ही आहत था, कैसे करें ना इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट, जिस मूवमेंट को रन ही कौन कर रहा है? अपर कास्ट हिंदूज कर रहे हैं। और इनफैक्ट उस जमाने में सोसाइटी में आज भी बोलते हैं, कहने की बातें, जितना मर्जी इलीगल घोषित करो, इंडियंस अगर मेंटालिटी गलत है कुछ इंडियंस की तो वो तो सुधरने से रही, लेकिन उस जमाने में थोड़ा ज्यादा ही होता था। हम दलित सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को अनटचेबल माना करते थे, अछूत माना करते थे, ना उनका छुआ पानी, ना उनका छुआ खाना, इस तरीके का डिस्क्रिमिनेशन हुआ करता था, राइट। और ये डिस्क्रिमिनेशन बहुत सालों से, सदियों से चल रहा था, लेकिन फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान जब देश आजाद होने की कोशिश कर रहा था तब भी कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन चल रहा था। ऑब्वियसली गांधी जी जो है ये सब नहीं मानते थे। गांधी जी लोअर कास्ट लोगों को या दलित सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को हरिजन बोला करते थे प्यार से। हरिजन का लिटरल मतलब होता है भगवान के बच्चे,
यानी कि चिल्ड्रन ऑफ द गॉड। और कहीं पे भी अगर कुछ गलत हो रहा होता था दलित सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के साथ में, तो गांधी जी आवाज उठाते थे। गांधी जी खुद भी ये जो छुआछूत का भेदभाव है, अनटचेबिलिटी है, इसे एलिमिनेट करना चाहते थे। और ये भी मानते थे कि हमारा देश कभी सही मायने में आजाद नहीं हो पाएगा, अगले 100 साल तक भी आजाद नहीं हो पाएगा अगर हम छुआछूत का भेदभाव नहीं करेंगे। और सही भी है, अगर आप आपस में ही लड़ते रहोगे तो आप बाकी अपने बड़े दुश्मन से आजादी कैसे लोगे, राइट? नाउ गांधी जी सत्याग्रह ऑर्गेनाइज किया करते थे। कहीं पे भी अगर किसी मंदिर में दलित सेक्शन को एंट्री नहीं मिलती थी, या पब्लिक कुआं उनसे नहीं छुआ, उन्हें छूने नहीं दिया जाता था, पब्लिक स्कूल में उन्हें एडमिशन नहीं मिलता था, पब्लिक सड़कों पे उन्हें चलने नहीं दिया जाता था, अपर कास्ट लोग बहुत करते थे, आज भी बहुत करते हैं, आए दिन न्यूज में खबरें आती रहती हैं, हम लोग नजरअंदाज कर देते हैं। अभी कुछ दिनों पहले मैंने खबर में पढ़ा था कि एक दलित सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के किसी व्यक्ति को जस्ट बिकॉज कि उन्होंने उस कुएं से पानी ले लिया जिस कुएं को अपर कास्ट हिंदू यूज करते थे, उन्हें पीट पीट के मार डाला गया। ये आज की भारत की बात बता रहे हैं हम, जब डेमोक्रेसी है, सोशल मीडिया है, इतनी अवेयरनेस है, तो सोचो उस जमाने में कितना डिस्क्रिमिनेशन रहता होगा। गांधी जी टॉयलेट तक क्लीन करते थे ताकि दलित सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को जो ट्रेडिशनली जो उन्हें ऑक्यूपेशन थोपा जाता है उन पे, यू नो, स्वीपर बनने का, वो स्टिग्मा वो उससे हटा सके। वो टॉयलेट साफ करना कोई गंदी बात नहीं होती है, टॉयलेट साफ करना कोई छोटा काम नहीं होता है, इसलिए गांधी जी भी करके दिखाते थे ताकि लोगों का हृदय परिवर्तन हो और लोग जो हैं ये जो पाप कर रहे हैं छुआछूत का पाप, ये पाप करना बंद करें। तो डेफिनेटली गांधी जी यूज टू सपोर्ट दलित कम्युनिटी, बट स्टिल दलित कम्युनिटी के जो लीडर्स थे उन्हें लग रहा था कि जब तक हमें पॉलिटिक्स में रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलेगा तब तक हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होंगी। इसलिए जितने भी दलित लीडर्स थे वो ये बोल रहे थे कि जब देश आजाद हो जाएगा तो हमें देश में चाहिए रिजर्व्ड सीट्स, हमें सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए, हमें एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हो, स्कूल हो, कॉलेजेस हो, वहां पे भी रिजर्वेशन चाहिए अपने बच्चों के लिए, और सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए मतलब कि कुछ पर्टिकुलर एरियाज होने चाहिए जहां पे हमारी पॉपुलेशन हाई है देश में, एसटी कम्युनिटी की, एससी कम्युनिटी की पॉपुलेशन अगर हाई है देश में किन्नी किन्नी पार्ट्स में, तो वहां पे हमें सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए, वहां पे हमारी ही सरकार बननी चाहिए। इस तरीके की मांगे दलित लीडर आजादी से पहले रख रहे थे, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट मांग रहे थे, क्योंकि उन्हें दिख रहा था कि अगर आज कांग्रेस सब कुछ कर रही है और कांग्रेस के अंदर दलित सेक्शन ऑफ द सोसाइटी रिप्रेजेंटेड ही नहीं है, तो क्या गारंटी है कि अगर देश आजाद भी हो जाएगा तो भी दलित सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को उनका ड्यू मिलेगा या रिस्पेक्ट मिलेगी, है ना? सो वो पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की बात कर रहे थे, और वो ये मानते थे कि जब तक पॉलिटिकल साक्षरता नहीं मिलेगी पॉलिटिकल लेवल पे, तब तक उनकी जो सोशल प्रॉब्लम्स है उनका खात्मा नहीं होगा। इसलिए दलित लोगों ने सिविल डिसोबिडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट बहुत ही कम किया, थोड़ा बहुत किया तो महाराष्ट्र और नागपुर रीजन में किया, अदरवाइज उन्होंने नहीं किया, नहीं महाराष्ट्र नागपुर वाले रीजन में नहीं किया, बाकी सारे देश में फिर भी थोड़ा बहुत पार्टिसिपेशन किया। अब भीमराव अंबेडकर जी हम सब जानते हैं कि हमारे देश की बहुत बड़ी पर्सनालिटी थे, इनफैक्ट दलित सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के लिए वो टिपिकली बहुत सारा काम करते थे, उन्होंने पूरे देश के दलित सेक्शन को एकजुट आने के लिए, ऑर्गेनाइज करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी 1930 में जब CDM स्टार्ट हुआ था, जिसका नाम था डिप्रेस क्लासेस एसोसिएशन। तो डिप्रेस क्लासेस एसोसिएशन अंबेडकर जी के नेतृत्व में यही मांगे बार बार कर रही थी कि देश आजाद हो जाए तो हमें सेपरेट इलेक्टोरेट मिलना चाहिए, पॉलिटिकल पावर मिलनी चाहिए, राइट? अब गांधी जी इस बात के खिलाफ थे, गांधी जी की सोच ये थी कि यार अभी देश आजाद नहीं हुआ है, उससे पहले अगर हम देश के बंटवारे करने की बातें करेंगे तो हमारे बीच की जो यूनिटी है उसे असर पड़ेगा। और अंबेडकर जी का कहना था अभी देश आजाद नहीं हुआ है, अभी हम पे इतना हुक्म चलाया जाता है, अपर कास्ट हिंदूज इतना हुक्म चलाते हैं हम पे, देश आजाद हो गया तो फिर सरकार भी अगर अपर कास्ट हिंदूज की बन जाएगी तो फिर लोअर कास्ट ग्रुप का, दलित सेक्शन का क्या होगा। दोनों ही बातें अपनी जगह सही थी, कहीं ना कहीं एक समझौता करना पड़ा हमें, और उसी समझौते का नाम है पूना पैक्ट। 1932 सितंबर में पूना नाम की जो जगह है, जिसे पुणे बोला जाता है, वहां पे गांधी जी और अंबेडकर जी मिले और वहां पे उन्होंने समझौता किया, क्योंकि गांधी जी तो बैठ गए थे अनशन पे। गांधी जी कह रहे थे मैं तब तक नहीं खाऊंगा, मैं मर जाऊंगा लेकिन तब तक नहीं खाऊंगा जब तक अंबेडकर तुम मेरी बात नहीं सुनोगे, तुम अपनी ये जिद छोड़ दो, तुम बल्कि बाकी दलित लीडर्स को भी समझाओ कि अपनी ये जिद छोड़ दे, सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग ना करें। अब अंबेडकर जी बेचारे गांधी जी को इतना पसंद करते थे, देश की इतनी रिस्पेक्ट करते थे, अंबेडकर जी मान गए, और साथ में फिर गांधी जी ने बोला कि ठीक है जब देश आजाद हो जाएगा तब SC कम्युनिटी, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी को हम रिजर्वेशन देंगे।
हम उनके लिए सीट्स रिजर्व किया करेंगे प्रोविंशियल और सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में, मतलब कि पार्लियामेंट और स्टेट असेंबलीज में, पार्लियामेंट और स्टेट गवर्नमेंट में हम सीट्स रिजर्व कर देंगे अम्बेडकर दलित सेक्शन के लिए, पर अभी तुम मान जाओ, सेपरेट इलेक्टोरेट की बात मांग ज्यादा ना उठाओ। तो ये था समझौता जो गांधी जी और अम्बेडकर जी के बीच में हुआ। अम्बेडकर जी दलित सेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे थे और गांधी जी तो हम सब जानते हैं फादर ऑफ द नेशन। दलित मूवमेंट हाउएवर कंटिन्यूड टू बी एप्रिहेंसिव ऑफ द कांग्रेस लेड नेशनल मूवमेंट। ये समझौता हो तो गया, लेकिन उसके बाद भी जो गतिविधियां हुई उसमें दलित सेक्शन को ऐसा नहीं था कि पूरा 100% ट्रस्ट हो गया था कांग्रेस पे, ट्रस्ट की कमी फिर भी थी। अब दूसरा सेक्शन है हमारा मुस्लिम सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। याद करो मैंने बोला कि कांग्रेस के अंदर मोस्टली अपर कास्ट हिंदूज थे, राइट? सो क्योंकि मुस्लिम्स कांग्रेस में ज्यादा मुस्लिम देखने को नहीं मिलते थे, इसलिए उन्हें एलियनेटेड फील होता था। एलियनेटेड का मतलब उन्हें इग्नोर्ड फील होता था। क्या होता था? इग्नोर्ड फील होता था कांग्रेस में और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में। ठीक है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में बेशक खिलाफत मूवमेंट को स्वराज के साथ मिक्स करके नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च किया गया था, लेकिन मुस्लिम भाई बहनों को नहीं लगा कि उनको अच्छा रिप्रेजेंटेशन मिला। तो mid-1920s में जब कांग्रेस बहुत ज्यादा ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ उठती बैठती थी या दोस्ती करती थी जो टिपिकली देश को एक हिंदू राष्ट्र की तरह देखते थे, जैसे कि हिंदू महासभा, जो रिलीजियस नेशनलिस्ट ग्रुप थे, तो उन उन ऑर्गेनाइजेशन के साथ जब कांग्रेस का उठना बैठना बहुत ज्यादा बढ़ने लग गया, तो मुस्लिम सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को और ज्यादा ट्रस्ट इश्यूज हो गए कांग्रेस के साथ और कांग्रेस की मूवमेंट्स के साथ, कि भाई हो सकता है कि देश आजाद हो भी जाए लेकिन तब भी मुस्लिम्स और हिंदूज के बीच का जो फर्क है वो फर्क रह ही जाएगा। और इसी वजह से रिलेशनशिप जो थे हिंदूज और मुस्लिम्स के बीच में बदलने लग गए थे, बिगड़ने लग गए थे, और इस आग में घी डाला करती थी आपकी कॉलोनियल गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी खेला करती थी। शहरों में राइट्स देखने को मिलते थे, क्लैशेस देखने को मिलते थे, दंगे फसाद होते थे, और ये दंगा फसाद इतना बढ़ गया कि आप जानते हो 1947 में, 1947 में हमारा देश आजाद होता, उससे पहले देश के दो टुकड़े हो गए, पाकिस्तान एंड हिंदुस्तान, है ना? So, ये पहले से ये क्लैशेस चले आ रहे थे जो बाद में जाके दो देशों में बट गए। द कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग मेड एफर्ट्स टू रीनेगोशिएट द अलायंस। ऑब्वियसली कांग्रेस के मेंबर्स ने और मुस्लिम लीग जो मुस्लिम सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को उस वक्त पॉलिटिकली रिप्रेजेंट करती थी, उन दोनों ने ही कोशिश की कि दोनों हिंदूज और मुस्लिम को साथ लाके कुछ किया जाए। 1927 में इट अपियर्ड दैट सच अ यूनिटी कुड बी फॉर्ज, ऐसे आसार लगने लग गए थे कि हिंदूज और मुस्लिम शायद एक साथ आ सकते हैं और कुछ फ्यूचर इंडिया का साथ में, दोनों कम्युनिटीज के प्यार के साथ, आपस में सपोर्ट के साथ एक फ्यूचर देखा जा सकता है, लेकिन वो अलायंस जो है बना नहीं, बल्कि वो अलायंस और बिगड़ गया। तो जो मुस्लिम लीग के लीडर थे, प्रेसिडेंट नहीं थे, लीडर थे M.A. जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना जी, उन्होंने, वो मुस्लिम लीग के लीडर थे, वो ये सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग जैसे दलित सेक्शन कर रहा था वैसे मुस्लिम लीग भी कर रहा था कि अगर आप हमारा ट्रस्ट जीतना चाहते हो तो हम लोगों को बोल दो कि देश आजाद होगा तो हमारे लिए सेपरेट इलेक्टोरेट होगा, मुस्लिम पॉपुलेशन के लिए होगा, सेंट्रल असेंबली में और स्टेट असेंबलीज में हमें पर्टिकुलरली रिजर्वेशन मिलेगा, और स्पेशली उन जगहों पे जो मुस्लिम डोमिनेटेड है, जहां पे मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा। ठीक है, तो ये नेगोशिएशन डेफिनेटली होना चाहिए था और अच्छे तरीके से हो सकता था। हमने एक बहुत बड़ी सभा भी ऑर्गेनाइज की देश में 1928 में, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज थी देश में, छोटी बड़ी, मुस्लिम लीग, कांग्रेस, जस्टिस लीग, जितनी भी छोटी छोटी पार्टी थी, जस्टिस लीग नहीं, जस्टिस पार्टी, जस्टिस लीग तो मूवी का नाम ले लिया। एनीवे, तो ये सारी पार्टीज को बुलाया गया और सोचा था कि एक समाधान निकाला जाएगा, लेकिन वही हुआ। एक हिंदू नेशनलिस्ट ग्रुप था, हिंदू महासभा करके, उसके एक मेंबर हुआ करते थे M.R. जयाकर, उन्होंने भी बीच सभा के अंदर खड़े होके मुस्लिम लोगों के खिलाफ कुछ उलझुल बोल दिया, और उसके बाद मुस्लिम लीग का और दिल खट्टा हो गया, और सिविल डिसोबीडियंस के टाइम पे ऐसा माहौल बन गया था कि दोनों कम्युनिटीज के बीच का जो अलगाव था वो बढ़ गया था, और इसीलिए मुस्लिम सेक्शन ऑफ द सोसाइटी ने सिविल डिसोबीडियंस में ज्यादा पार्टिसिपेट नहीं किया, बिकॉज दे फेल्ट एलियनेटेड। उन्हें नहीं लग रहा था कि देश की आजादी में मुस्लिम्स का भला है, उन्हें नहीं लग रहा था कि देश आजाद हो भी गया तो हिंदूज को जो अहमियत मिलेगी देश में वो मुस्लिम्स को मिल पाएगी। बहुत सारे मुस्लिम लीडर्स को लग रहा था कि मुस्लिम्स को माइनॉरिटी रहना पड़ेगा देश में, माइनॉरिटी एज इन अल्पसंख्या में रहना पड़ेगा, और माइनॉरिटी को एक्स्ट्रा राइट्स क्या पता भारत में दिए जाएंगे कि नहीं जाएंगे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि हमारा जो भी कल्चर है, इस्लामिक कल्चर है, जो भी मुस्लिम भाई बहन हमारे कल्चर फॉलो करते हैं, उन कल्चर पे कहीं हिंदू कल्चर हावी ना हो जाए, बाकी धर्मों का कल्चर डोमिनेट ना करने लगे। तो इन्हीं
सारी चीजों की वजह से, कारणों की वजह से मुस्लिम पॉपुलेशन का इतना ज्यादा सपोर्ट हमें सिविल डिसोबिडियंस में नहीं मिला। ठीक है, लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर इज द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। बच्चा सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग में हम पढ़ेंगे कि कैसे देशभक्ति की भावना स्प्रेड हुई। अब गांधी जी देशभक्त बन गए थे, भगत सिंह देशभक्त बन गए थे, इसका मतलब ये नहीं ना कि देश का बच्चा बच्चा देशभक्त बन गया था। हमने देशभक्ति उजागर की लोगों के अंदर, हमने लोगों को बताया कि यार समझो, कोई 1-2 साल राज नहीं किया था ब्रिटिशर्स ने। कितने लोग थे जो पैदा ही तब हुए थे जब ब्रिटिशर्स राज करते थे, है ना। जनरेशन आफ्टर जनरेशन ब्रिटिशर्स हैव रूल्ड ओवर अस फॉर 200, मोर देन 200 ईयर्स। तो हमें याद ही नहीं था कि आजाद भारत दिखता कैसे था। तो वो याद दिलाना बहुत जरूरी था कि आजाद भारत हमारा बेटर था, और अभी भी जब हम आजादी ले लेंगे देशभक्ति के नाम पे तो वो बेटर भारत होगा। सो दैट पॉइंट, दैट लॉजिक हैड टू बी स्प्रेड टू द पीपल, एंड दिस इज व्हाट वी आर गोना रीड अबाउट इन दिस टॉपिक। नेशनलिज्म स्प्रेड्स व्हेन पीपल बिगिन टू बिलीव दैट दे आर ऑल अ पार्ट ऑफ द सेम नेशन। देशभक्ति की भावना तब आती है जब लोगों को ये लगने लग जाता है कि वो सब लोग एक ही देश का पार्ट हैं, और इसी की वजह से उन्हें आपस में मिलजुल के रहना चाहिए। लेकिन एक ऐसा देश जो अंग्रेजों के तले 200 साल से दबा हुआ था, उस देश को ये बात समझ में आनी थी। और इस बात को समझाने के लिए हमने बहुत सारे पैंतरे लगाए, बहुत सारे पैंतरे लगाए। हमने कल्चर का प्रयास किया, हमने हिस्ट्री को यूज किया, हमने पुरानी फिक्शन यानी कि कहानियों का इस्तेमाल किया, हमने पॉपुलर प्रिंट्स का इस्तेमाल किया, प्रिंट कल्चर का इस्तेमाल किया, हमने बहुत सारे चिन्ह का इस्तेमाल किया, चाहे वो फ्लैग हो चाहे वो चिन्ह हो, है ना। हमने कार्टून्स का इस्तेमाल किया, न्यूज़पेपर में कार्टून छपा करते थे। हमने लोगों को याद दिलाया कि हम सब एक ही बोट में बैठे हुए हैं, और वो बोट है कॉलोनियल गवर्नमेंट के अगेंस्ट। हम सबने एक दूसरे को ये जताया कि हम सबका कॉमन दुश्मन है ब्रिटिश गवर्नमेंट। पुराने पुराने गीत, पुरानी पुरानी कहानियों को इस्तेमाल करके हमने ये सारी चीजें की। अब हम सब कुछ तो इसमें नहीं पढ़ सकते क्योंकि इसमें बहुत सारे लोगों का हाथ था, कुछ लोगों का हम पढ़ने वाले हैं इसमें एब्सोल्यूट कॉन्ट्रीब्यूशन। फॉर एग्जाम्पल, भारत माता, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप में आपने मेरियन और जर्मेनिया का कॉन्सेप्ट पढ़ा जो एलेगोरी थी। सिमिलरली भारत कैसा दिखता है किसको पता, लेकिन जब तक आप भारत को देख नहीं पाओगे तब तक आपके मन में भारत के लिए प्यार कैसे आएगा। अभी हमारे लिए भारत के मन में एकदम से प्यार कब आता है, वैसे तो प्यार हमेशा रहता है भारत के लिए, लेकिन जैसे ही हमारा नेशनल एंथम बनता हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अभी बोलते हुए ही रोंगटे खड़े हो गए। जैसे ही हम अपना इंडिया का झंडा देखते हैं हमारा सर फक्र से ऊंचा हो जाता है। हम वंदे मातरम सुनते हैं, नेशनल सॉन्ग सुनते हैं, तो फक्र महसूस होता है, राइट। सब कुछ ये चिन्ह होते हैं जिनसे आप कनेक्ट कर पाते हो। सो इसी तरीके से भारत को विजुलाइज किया गया भारत माता के रूप में। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय नाम के एक व्यक्ति थे जिन्होंने पहली इमेज बनाई थी, यानी कि पहली ड्राइंग बनाई थी भारत माता की, और इन्होंने ही हमारा जो नेशनल सॉन्ग है ना वंदे मातरम लिखा था 1870s में। ऑब्वियसली तब नेशनल सॉन्ग नहीं था, नेशनल सॉन्ग ये देश की आजादी के बाद बना। और वंदे मातरम को इन्होंने एक नॉवल लिखी थी आनंद मठ नाम की, उसमें भी इन्होंने छापा था। तो फिर जिस जिसने वो वंदे मातरम वाली नॉवल पढ़ी, आनंद मठ पढ़ी, सबको बहुत अच्छा लगा, और फिर इतना फेमस हो गया वंदे मातरम कि नारे लगते थे वंदे मातरम के, और फिर तो हमारा नेशनल सॉन्ग ही बन गया। तो जब बंगाल में स्वदेशी मूवमेंट हुआ था तब वंदे मातरम खूब जोरों शोरों से ब्लॉकबस्टर सॉन्ग्स में आया करता था, एंड एवरीबडी यूज्ड टू लाइक इट। नाउ मूव्ड बाय द स्वदेशी मूवमेंट, अबिंद्रनाथ टेगोर नाम के अगेन एक बंगाली पर्सन थे जो एक बहुत फेमस आर्टिस्ट थे, उन्होंने भारत माता की पहली पेंटिंग बनाई। प्लीज याद रखना बच्चा, पहली इमेज जो है वो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने बनाई है, लेकिन पहला पेंटिंग जो है वो आपके अबिंद्रनाथ टेगोर ने बनाई है। और इन्होंने जब भारत माता को पेंटिंग में दर्शाया तो कुछ इस कदर दर्शाया जिसमें भारत माता बहुत ही एस्केटिक लग रही है। एस्केटिक का मतलब बहुत ही पायस, बहुत ही पावन लग रही है। पावन, एस्केटिक का मतलब हिंदी में पावन लग रही है, और बहुत ही काम लग रही है, बिल्कुल गुस्सा नहीं है उनकी शक्ल पे, एकदम कंपोज्ड कि उनको सब कुछ पता है, सब कुछ मालूम है, और वो बहुत ही शांत दिमाग की लग रही है, डिवाइन लग रही है, ऐसे भक्ति में लीन लग रही है, स्पिरिचुअल लग रही है। हाथ में उनके देख रहे हो फेरने वाली माला है, दूसरे हाथ में वेद है, उपनिषद है, तो ऑब्वियसली शी इज बींग रिप्रेजेंटेड एज अ वेरी काम पर्सन हियर। अगले साल में भारत माता की कुछ अलग 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 इमेजेस बनने लगे। कुछ इमेजेस में भारत माता गुस्से में भी दिखती थी, कुछ इमेजेस में भारत माता और ज्यादा प्यार से उपदेश देती हुई दिखती थी, कुछ इमेज में भारत माता मांग डिमांड करती हुई दिखती थी कि भारत को आजाद करो। सो जितने आर्टिस्ट
उतनी तरीके की भारत माता की इमेज बनने लगी। और जब हम भारत माता को देखते थे उस जमाने में, तो हमें महसूस होता था कि भारत हमारा है, भारत हमारी माँ समान है, और अपनी माँ को तो प्रोटेक्ट करना पड़ेगा ना। अपनी माँ ब्रिटिशर्स के हाथ में हम कैसे छोड़े, अपनी भारत माँ को तो हमें बचाना पड़ेगा। तो इस पॉइंट से देश में बहुत ज्यादा नेशनलिज्म फैला। जैसे आप ये पेंटिंग देखते हो, इसमें भारत माता कुछ अलग रूप में दिखाई है। इसमें भारत माता बहुत ही अथॉरिटी वाली, पावर वाली फिगर दिखाई है, क्योंकि उनके पीछे हाथी है, सामने शेर बैठा है, पीछे लक्ष्मी माता है, सरस्वती माता है ना, लक्ष्मी माता सरस्वती माता, इंडिया का बहुत अच्छा सा सीन दिखाया है, बहुत सुंदर सा इंडिया। तो इसमें बहुत पावरफुल भारत माता दिखाई है, जिनके हाथ में झंडा है और सामने शेर बैठा है, दैट शी इज नॉट अफेयर्ड ऑफ एनीथिंग और एनीबडी। सो दीज वर द सिम्बल्स। अब सिम्बल्स की बात करें तो ये सिम्बल्स में आ गया है ना। नाउ पुराने गीत और पुरानी कहानियों से भी हमने भारत को एकजुट करने की कोशिश की। इन 19th सेंचुरी, लेट 19th सेंचुरी, जितने भी देशभक्त हुआ करते थे, वो पुराने पुराने गानों, पुराने पुराने रिदम, पुराने पुराने धुनों को इस्तेमाल करके वो लोग गाने बनाया करते थे, देशभक्ति के गाना बनाया करते थे। और जिन लोगों को पढ़ना नहीं भी आता था, उन्हें जब वो गाने सुनने को मिलते थे, तो उन्हें बहुत देशभक्ति फील होती थी। These tales, they believe, gave a true picture of traditional culture that had been corrupted and damaged by outside forces. लोगों को ऐसा बताया जाता था कि हमारा जो आजाद भारत था ब्रिटिशर्स के आने से पहले, वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था, काफी ज्यादा एसेंशियल था, काफी ज्यादा रॉयल था, और हमें वही भारत अब वापस चाहिए, तो हमें अंग्रेजों को भगाना पड़ेगा। तो फोक लोर का मतलब होता है, फोक का मतलब लोकगीत, फोक सॉन्ग का मतलब लोकगीत, फोक लोर का मतलब लोक कहानियां, यानी कि जो आप बचपन से सुनते नहीं आते हो, जैसे पंचतंत्र की कहानियां हो गया, वो हमारी फोक कहानियों में काउंट होता है। तो दो ज्यादा कहानियां जिसमें हम पुराने भारत की बातें सुनते थे, कि भारत हमारा पहले कितना महान हुआ करता था, सोने की चिड़िया हुआ करता था, ऑल ऑफ दैट। रविंद्रनाथ टैगोर हम सब जानते हैं, नोबेल प्राइज मिला था इन्हें। तो रविंद्रनाथ टैगोर बहुत सारे नए नए गीत लिखते थे, नए नए कहानियां लिखते थे, और इनकी कहानियां आप कभी भी मूवीज देख लो इनकी कहानियों पे बनी, या इनकी कहानियां पढ़ लो, आपको हमेशा नेशनलिज्म का, देशभक्ति का एक टच मिलेगा। कहानी हमेशा इनकी जो होती थी ना, अराउंड होती थी देशभक्ति के, या फिर देशभक्ति की जो फ्रीडम स्ट्रगल चल रही थी उसके अराउंड। तो इनके कैरेक्टर्स भी काफी देशभक्त हुआ करते थे, तो इससे भी लोगों को बहुत प्रेरणा मिलती थी। सिमिलरली एक राइटर थे नतेसा शास्त्री करके, जो साउथ इंडिया में रहते थे, और उन्होंने तमिल भाषा में देशभक्ति के ऊपर एक किताब लिखी थी, जिसके चार मोटे मोटे वॉल्यूम है, चार पार्ट्स है, उसका नाम है द फोकलोर ऑफ सदर्न इंडिया। उसमें जितनी भी साउथ इंडियन स्टेट्स हैं हमारी, उनकी जो लोक कहानियां होती थी, ऑब्वियसली वो नॉर्थ इंडिया से अलग थी, ईस्ट इंडिया से अलग थी, तो उनकी कहानियों को उन्होंने पब्लिश किया, ताकि साउथ इंडिया में भी ये कल्चर डेवलप हो सके कि अंग्रेजों को तो हमें भगाना है, हमें अपना पुराना देश वापस चाहिए। सो नेशनल लिटरेचर की तरह ये फोक कहानियां, फोक गीत आज हम ट्रेजर करते हैं। एक्चुअली में ये हमारा नेशनल लिटरेचर है। अगर ये कहानियां नहीं होती तो क्या पता देशभक्ति की भावना में थोड़ी कमी रह जाती और हम 10-20 साल बाद आजाद होते। तो इन सब ने एकजुट करके लोगों को देशभक्ति का पाठ पढ़ाया। द मोस्ट ट्रस्टवर्दी मैनिफेस्टेशन ऑफ पीपल्स रियल थॉट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, नतेसा शास्त्री जी का बोलना था कि लोगों की जो रियल थॉट्स है और रियल कैरेक्टर्स है, अगर रियल भारत देखना है, रियल भारतवासियों के मन में क्या चलता है, क्या यहाँ का कल्चर है देखना है, तो आपको पुरानी कहानियां पढ़नी पड़ेंगी। अंग्रेजों की किताबें पढ़ के थोड़ी भारत आपको देखने को मिलेगा, आपको तो हमारी ही पुरानी कहानियां पढ़नी पड़ेगी। As the national movement developed, nationalist leader became more and more aware of such icons and symbols in unifying people and inspiring in them a feeling of nationalism. पहले जब हुआ करती थी, movements हुआ करती थी, let's say 18th century में अगर movement हुआ करती थी, या 1850 में अगर movement हुआ करती थी freedom struggle की, तो उसमें झंडे इतने देखने को नहीं मिलते थे। फिर धीरे धीरे लोगों को समझ आया कि यार झंडे, स्लोगन, और आप ये जो प्ले कार्ड्स लेके घूमते हो, इन सबसे, इन चुनाव से, इन सिंबल से लोगों के दिमाग पर बहुत असर पड़ता है। फिर नए नए झंडे भी बनने लगे, जैसे दो झंडे हमारे सिलेबस में है, एक जो स्वदेशी मूवमेंट में इस्तेमाल हुआ था बंगाल की, और एक जो गांधी जी ने बनाया था। स्वदेशी मूवमेंट में जो बंगाल में इस्तेमाल हुआ था, वो ये वाला तिरंगा झंडा था। तीन रंग थे, लेकिन रंग अलग थे। ऊपर हमारे पास हरा, बीच में पीला और नीचे लाल। लाल वाले हिस्से में आप देखोगे चंदा मामा बना है। चंदा मामा जो है मुस्लिम कल्चर को, इस्लाम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सूरज जो है यहाँ पे हिंदूज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो दो मेजर कम्युनिटीज जो थी, जो दो मेजर रिलीजन थे, उनको रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे मिला हुआ है झंडे में। एकता का प्रतीक है ये झंडा, कि हिंदू और मुस्लिम सब साथ में आके स्वदेशी मूवमेंट कर रहे हैं बंगाल में। ऊपर हरे वाले हिस्से में आप देखोगे तो आठ कमल के फूल बने हुए हैं। क्यों आठ कमल के फूल बने हुए हैं? जैसे आज हमारे इंडिया में 28 स्टेट्स हैं जहां पे हमारी गवर्नमेंट राज करती है, उस जमाने में हमारे भारत में 8 प्रोविंसेस हुआ करती थी जिन पे ब्रिटिश गवर्नमेंट डायरेक्ट राज करती थी।
ठीक है, तो आठ कमल के फूल उन आठ प्रोविंसेस को रिप्रेजेंट करते हैं, एट प्रोविंसेस इन ब्रिटिश इंडिया, और बीच में लिखा हुआ है वंदे मातरम, तो वंदे मातरम तो हमें पता ही है, इसके तो नारे लगते थे। नाउ नेक्स्ट इज गांधी जी वाला फ्लैग। गांधी जी वाला फ्लैग कुछ ऐसे दिखता था, ऊपर रेड कलर था, फिर बीच में व्हाइट कलर था और नीचे ग्रीन कलर था। ये स्वराज फ्लैग कहलाता था, 1921 में बना था। स्वराज का मतलब होता है बच्चा अपना रूल, सेल्फ रूल। तो इस झंडे में भी आपको सेल्फ रूल देखने को मिलता है, क्योंकि इसमें खादी वाला चरखा बना हुआ है। तो इससे गांधी जी ये दर्शाना चाहते थे कि अगर गांव गांव लेवल पे अगर हम लोग सब लोग इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, सेल्फ रिलायंट हो जाएंगे, तो फिर हमें ब्रिटिशर्स और ब्रिटिशर्स के सामान की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी, है ना। सो जब भी कोई मार्चेस हुआ करते थे, तो ये सारे के सारे झंडे लोग लेके फहराया करते थे और लेके घूमा करते थे। चौथा सबसे इंपॉर्टेंट तरीका था हमारे देश को एकजुट करने का, वो था री इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री। मोस्टली 19th सेंचुरी तक जो हिस्ट्री लिखी गई थी हमारे देश में, वो ब्रिटिशर्स ने लिखी थी, क्योंकि पढ़ाई लिखाई भी उन्हें ही आती थी उस जमाने में, क्योंकि कब से राज कर रहे थे, या स्कूल्स भी उन्होंने खोले थे इंडिया में, तो उसमें अपना सिलेबस फॉलो करते थे। तो हमारे यहाँ के लोग जैसे टेगोर साहब काफी पढ़े लिखे थे, लेकिन वो पढ़े तो ब्रिटिशर्स के स्कूल्स में ही थे ना। तो जो कल्चर डेवलप हुआ था, हिस्ट्री को देखने का जो नजरिया, जो आपका पर्सपेक्टिव डेवलप हुआ था, वो काफी ब्रिटिशर्स के एंगल से हुआ था, जिसमें इंडिया को एक बैकवर्ड कंट्री दिखाया जाता था, पुरानी प्रिमिटिव कंट्री दिखाया जाता था, जिसे ब्रिटिशर्स ने आके बेहतर बनाया था। इस टाइप की हिस्ट्री देखने को मिलती थी उस जमाने में, लेकिन ये हिस्ट्री गलत थी। ऑब्वियसली हम बैकवर्ड कंट्री नहीं थे और हमें किसी कंट्री के आके डेवलप्ड बनाने की जरूरत नहीं थी। तो फिर हमने 20th सेंचुरी में अपनी हिस्ट्री लिखनी दोबारा शुरू की, जिसमें हमने भारत का ग्लोरियस टाइम दिखाया कि भारत कैसे सोने की चिड़िया था, भारत का कल्चर कितना रिच था, भारत की साइंस हो, मैथमेटिक्स हो, कल्चर हो, सब कुछ कितना रिच था। पूरी दुनिया में भारत की ट्रेड का नाम हुआ करता था ब्रिटिशर्स के आने से पहले। एंड दैट इज वेन, जब वो वाली हिस्ट्री हमारे भारत के भाई बहनों ने पढ़ी, तब उन्हें समझ आया कि यार ये भारत जो इतना महान है, इसके लिए तो लड़ना बनता है, इसके लिए तो आजादी की लड़ाई में पार्टिसिपेट करना बनता है। दीज नेशनलिस्ट हिस्ट्रीज अर्ज द रीडर्स टू टेक प्राइड इन इंडियाज ग्रेट अचीवमेंट्स इन द पास्ट एंड स्ट्रगल टू चेंज द मिजरेबल कंडीशंस ऑफ लाइफ अंडर ब्रिटिश रूल, है ना। तो जब हम वो कहानियां पढ़ते थे कि हमारा देश इतना महान हुआ करता था और अब ब्रिटिशर्स ने ये हालत की हुई है, तब हमें लगता था कि हमें अपने देश के लिए कुछ ना कुछ बदलना जरूर है, ठीक है। सो दीज वर द एफर्ट्स दैट वर टेकन इन टू अकाउंट। सिंबल्स वाला हो गया, फ्लैग वाला हो गया, फोकलोर हो गया, फोक सॉन्ग्स हो गया, और री इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री हो गया। कई बार होता था कि हिंदू लोगों को ज्यादा ग्लोरीफाई किया जाता था पास्ट में, और हिंदू आइकोनोग्राफी यूज की जाती थी, क्योंकि अगर बहुत पुराना भारत देखोगे तब बहुत ज्यादा रिलीजन इंडिया में एग्जिस्ट नहीं करते थे, मोस्टली हिंदू रिलीजन एग्जिस्ट किया करता था। तो एक ये प्रॉब्लम जरूर आई कि जब हम हिस्ट्री को री इंटरप्रेट कर रहे थे अपने हिसाब से ब्रिटिशर्स को मजा चखाने के लिए, तब काफी धर्मों को बहुत बुरा लगा और उन्हें लगा कि उन्हें भारत की हिस्ट्री से एक्सक्लूड किया जा रहा है। तो एक ये प्रॉब्लम थी छोटी सी, अदरवाइज री इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री डिड गिव अस एन आउटलेट कि हम अपने भारत को महान तरीके से देख सके। नाउ क्विट इंडिया मूवमेंट पे आपके बुक में ये दिया हुआ है, क्विट इंडिया मूवमेंट बच्चा सिलेबस में नहीं है, बट वैसे एक पैराग्राफ दिया हुआ है तो पढ़ लेते हैं। क्रिप्स मिशन, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद क्रिप्स मिशन जो है वो फेल हो गया था, और उसकी वजह से इंडिया में बहुत ज्यादा नफरत थी ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए। गांधी जी ने तब एक कंप्लीट विड्रॉल, कि ब्रिटिश को अब इंडिया पूरा छोड़ना ही पड़ेगा, उस पे एक मूवमेंट चालू किया था, जिसे क्विट इंडिया मूवमेंट बोला जाता है। और एक कांग्रेस की मीटिंग हुई थी वर्धा वाली जगह पे 1942 में, और उन्होंने क्विट इंडिया घोषण कर दिया था, रेजोल्यूशन ले लिया था कि घोषित कर दिया था कि अब जो इंडिया है वो चाहता है कि ब्रिटिशर्स बिल्कुल इंडिया तुरंत छोड़ के चले जाए। 8 अगस्त 1942 को बॉम्बे में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने ये रेजोल्यूशन को एक नॉन वायलेंट मास स्ट्रगल की तरह लॉन्च भी कर दिया था, और गांधी जी ने फेमस स्पीच अपनी डिलीवर की थी कि करो या मरो, यानी कि अब या तो नेशन की फ्रीडम स्ट्रगल का पार्ट बनो वरना ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथे मर जाएंगे, है ना, करो या मरो की स्थिति आ गई है। दे कॉल फॉर क्विट इंडिया ऑलमोस्ट बोथ द स्टेट मशीनरी टू अ स्टैंड स्टिल इन लार्ज पार्ट्स ऑफ द कंट्री। जब ये इतनी फेमस स्पीच बोली गांधी जी ने, डू और डाई, तब ऑब्वियसली पूरे देश ने रिस्पॉन्ड किया, ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए काम करना छोड़ दिया, ब्रिटिश गवर्नमेंट एक तरीके से ठप हो गई थी, इंडिया में कुछ भी चल नहीं रहा था, ट्रांसपोर्ट और हर जगह हड़ताल देखने मिल रही थी, कम्युनिकेशन कुछ नहीं चल रहा, ऑफिसेस नहीं चल रहे हैं, हर जगह प्रोटेस्ट हो रहे हैं, नेशनल गीत गाए जा रहे हैं। तो ये जो मूवमेंट थी एक चेरी ऑन द केक थी, जिसकी वजह से हजारों लोगों को, स्पेशली स्टूडेंट्स, वर्कर्स और फार्मर्स को एक नया भारत इमेजिन करने का मौका मिला, और इतने सारे लोगों ने इतना एक्टिव
पार्टिसिपेशन दिखाया, चाहे जयप्रकाश नारायण जी हों, अरुणा असफ अली हों, राम मनोहर लोहिया हों, भीमराव अम्बेडकर हों, गांधी जी हों, जवाहरलाल नेहरू हों, भगत सिंह हों, बोस साहब हों, सब लोगों ने इतना ज्यादा, चाहे हमारे नॉर्थ ईस्टर्न साइड के लीडर हों, जैसे कि कनक लता बरुआ हो गई जो असम से थे, राम देवी हो गए उड़ीसा से, या मतनगिरी हजरा हो गए बंगाल से, तो ब्रिटिशर्स को आप समझ आ गया था। क्विट इंडिया मूवमेंट्स के बाद ब्रिटिशर्स के एकदम से छक्के छूट गए थे और उन्हें समझ आ गया था अब इस देश को छोड़ने के अलावा हमारे पास और कोई चारा नहीं बचा है। सो क्विट इंडिया, क्विट का मतलब समझ रहे हो, छोड़ो भारत मूवमेंट लॉन्च किया था 1942 में। सो आपके दो होमवर्क क्वेश्चंस मैं यहाँ पे आपको प्रोवाइड करके जा रही हूँ। इन होमवर्क क्वेश्चन का आंसर मुझे जरूर देना कॉमेंट्स में। आई होप यू एंजॉय टूडेज वीडियो अ लॉट एंड यू अंडरस्टूड कि हमारी जो फ्रीडम स्ट्रगल है ये हमें किसी ने दान में नहीं दी है, ये हमने छीन के लिए ब्रिटिशर्स से। बहुत सारे लोगों का खून बहा है, बहुत सारे लोगों की बोलते यूथ जवानी गई है, बहुत सारे लोगों का बुढ़ापा गया है, बहुत सारे लोगों ने बच्चे खोए हैं, माँ बाप खोए हैं, अपना काम खोया है, बहुत कुछ खोया है, इज्जत खोई है, और उस सब पे हम अभी यहाँ पे बैठे हैं। सो फक्र के अलावा आई डोंट थिंक देर इज एनी अदर वर्ड दैट वी शुड आइडेंटिफाई विद बीइंग एज एन इंडियन, बिकॉज हम यहाँ जो हैं वो बहुत सारे लोगों की बदौलत है। सो उनको याद करने का हमें कोई दो तीन मौके ही मिलते हैं, चाहे वो 26 जनवरी है या 15 अगस्त है, लेकिन एटलीस्ट उस दिन हमें याद जरूर करना चाहिए कि ये भारत जो हम आज देख रहे हैं इतनी खुली आंखों से, ये हमारी आंखें खोलने की भी आज़ादी नहीं थी उस जमाने में। ठीक है, सो विद दिस आई विल टेक योर लीव। दिस इज योर सेकेंड होमवर्क क्वेश्चन एंड डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल। वीडियो अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना बच्चा। एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम विद अनदर चैप्टर। अब कौन सा चैप्टर चाहिए कॉमेंट्स में जरूर बताना, फिर उसका लिंक बनाऊंगी मैं। बाय एंड टाटा।